गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूँ अमित राव। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किया सोनेट के HTK+ डीजल मैनुअल वेरिएंट के बारे में। तो पहले जैसे आप जानते थे, जुलाई से पहले जो भी गाड़ी आती थी उसमें ये वाला वेरिएंट होता है काफ़ी ऊपर, मतलब कि 5वें नंबर पर मतलब होता था। पर अब ये मॉडल हो चुका है अपना 3रे नंबर पर, क्योंकि जो बेस वेरियंट आता था HTE उसको डीजल में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, HTK को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आता है HTE ऑप्शनल, HTK ऑप्शनल और HTK+ और HTX, ऐसे करके ऊपर वो चलते रहते हैं। तो ये अपना अब थर्ड मॉडल हो चुका है और इसी के बारे में वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा। तो भाई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की। तो भाई एक्स शोरूम प्राइस आता है 11,61,900 रुपये हरियाणा के अंदर, 13,17,771 रुपये का ये कॉस्ट करता है ऑन रोड हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें आपको सारी मिल जाती है, इंश्योरेंस, फास्टैग, RC का ये हरियाणा रजिस्ट्रेशन के साथ आ जाता है, एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सेसरीज जो चीज़ होती है वो अलग होती है। तो ये आया था भाई प्राइसिंग का। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इस वेरिएंट के अंदर क्या क्या आ जाता है। तो फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं भाई। तो इसके अंदर सबसे पहले जो जुलाई अपडेट आया था उसके अंदर इसके अंदर LED लाइट से ऐड कर दी गई है। DRLs पहले भी आते थे पर LED क्राउन ज्वेल जो लाइट है वो अब ऐड कर दी गई है इसके अंदर, तो ये एक अपडेट हो चुका है। उसके अंदर आपको जो आइस क्यूब शेप की फोग लाइट है वो देखने के लिए मिल जाएगी, 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और जो ग्रिल आती है वो पूरी पियानो ब्लैक कलर की देखने के लिए मिल जाएगी। फ्रंट में स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी HTK+ मॉडल के साथ में, ये वाली चीज़ है। जब इंडिकेटर देंगे तो LED वाले वो भी अब हो चुके हैं क्योंकि लाइट LED कर दी गई है। तो यहाँ पर ये जब भी आप इंडिकेटर देंगे तो कुछ इस तरीके के इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि पहले HTX में मिलते थे। साइड प्रोफाइल आज भी सेम ही है गाड़ी का, वही 3995 mm की लेंथ आती है, विड्थ 1790 mm की आती है, 1642 mm की जो हाइट आती है, 2500 mm का व्हील बेस आता है और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। यहाँ पे जो टायर सेक्शन देखने के लिए मिलता है हमें वो आ जाता है भाई 16 इंच का, और यहाँ पे 215/60R16 का जो है वो सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्टाइल व्हील कवर इसके अंदर आते हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल अलॉय जैसे होते हैं पर होते हैं फ्लैक्स व्हील ही है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे, चारों टायरों के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिकेटर जो आता है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों चीज़ें मिल जाएगी। ए पिलर और सी पिलर अपना ब्लैक आता है, बी पिलर मैट आता है, फ्लोटिंग टाइप की रूफ रेल आ जाती है और जो डोर हैंडल है वो अपने को बॉडी कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर सनरूफ की बात करूँ तो सनरूफ भाई अपने को हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि HTK+ चाहे पेट्रोल ले लो चाहे डीजल ले लो, सनरूफ का ऑप्शन वहाँ पे आता ही नहीं है। रियर के अंदर भी ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे, डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं आता है भाई। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा, हाई मोटर स्टॉप लैंप आ जाएगा, वाइपर डिफोगर वॉशर देखने के लिए मिल जाएगा, रियर में कनेक्टेड टेल लाइट है। तो जो वाइपर और वॉशर है वो अभी ऐड किए गए हैं जुलाई अपडेट के अंदर, उससे पहले नहीं आते थे। तो HTK ऑप्शनल वेरियंट है उसमें भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। रियर में कनेक्टेड टेल लैंप है, LED के अंदर जो है वो टेल लाइट आ जाती है, सोनेट की वाइजिंग यहाँ पे मिल जाएगी, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आती है, रियर स्किड प्लेट, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। ये चीज़ हमें रियर में देखने के लिए मिलेगी यहाँ से ओपन करने के बाद। 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और पार्सल ट्रे आपको एक्सेसरीज के अंदर लगवानी पड़ेगी। सीटों के अंदर कोई भी 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्पेयर व्हील जो मिलेगा हमें वो 15 इंच का मिलता है, 95/65R15 का। स्पेयर टेल मतलब टूल जैक्स वगैरह है वो सारी चीज़ यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है कोई भी सामान आपको हैंग करना है वो वाली चीज़ के लिए। ट्रायंगल और फर्स्ट एड किट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से पकड़ के आप इसको क्लोज कर पाओगे। ये रियर का प्रोफाइल होता है। अब ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो सारी चीज़ सेम ही देखने के लिए मिलती है हमें यहाँ पर इसके अंदर आपको HTK+ में रिकवर सेंसर देखने के लिए मिल जाता है एक्स्ट्रा। इंटीरियर की बात करूँ तो ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है इसके अंदर, जो सीटें आती है सेमी लेदरेट सीटें देखने के लिए मिल जाती है। शुरुआत यहाँ से करते हैं, चारों पावर विंडो आ जाती है ड्राइवर वाली, वन टच अप एंड डाउन के साथ देखने के लिए मिल जाएगी, एंटी पिंच भी आ जाएगा। चारों पावर विंडो के जो स्विच है इनके अंदर लाइट का ऑप्शन आता है, मिरर फोल्ड एंड फोल्ड करने का स्विच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आ जाते हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ आ जाएगी, स्पीकर यहाँ आता है, बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर ये चीज़ देखने के लिए हमें यहाँ मिल जाएगी। सीटों में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो फैब्रिक है, ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये लेदर का आता है। और सीटों के अंदर 2 एयरबैग होते हैं, एक ही सीट पे और एक ही सीट पे उधर, 2 एयरबैग फ्रंट में और 2 होते हैं पिलर्स के ऊपर, तो टोटल 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ABC पैडल यहाँ आ जाते हैं अपने, यहीं से बोनट ओपन और फ्यूज़ बैक्स आ जाएगा, यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर पाएंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आती रहती है। बाकी और किस वेरिएंट का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं।
और इसके ऊपर वाले वेरियंट की भी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है और पेट्रोल्स की भी वीडियो पोस्ट की हुई है जो लेटेस्ट जुलाई अपडेट के साथ आई हुई है, तो वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी रीसेंट अपलोड के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अब स्टेयरिंग के बारे में बात करते हैं, तो स्टेयरिंग जो मिलता है हमें नॉर्मल मिलता है, डी कट वाला स्टेयरिंग नहीं मिलेगा। स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये वाले जो कंट्रोल आते हैं ये क्लस्टर के लिए आते हैं। यहाँ पे स्टेयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्ट मिल जाता है, तो ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे जो है वाइपर के कंट्रोल वो देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर वाइपर आ गया है तो यहाँ से आप रियर वाइपर भी इसका ऑन करना चाहोगे तो वो भी ऑन कर सकते हो यहीं से। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई अपने को पुश बटन स्टार्ट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये HTK+ मॉडल है तो इसके अंदर अपने को पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को डिसेबल करने का स्विच, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन करने का स्विच, और यहाँ से ISG को बंद करने का हेडलाइट लेवलर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्लस्टर की बात करते हैं, तो 4.2 इंच का सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे RPM आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे डिजिटल स्पीड आएगी, ये 4.2 इंच की स्क्रीन होती है, और यहाँ पे आपको जो है रेंज शो करेगा, सारी जो ट्रिप्स वगैरह है वो यहाँ पे शो करेगा। इस वाले स्विच को दबा के आप इनको टॉगल कर सकते हो, और यहाँ से इसको डाउन करोगे तो करंट माइलेज, ऑटो स्टॉप, यूरिया लेवल, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। वॉर्निंग लाइट सारी जो आती है वो यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे फ्यूल का और यहाँ पे गाड़ी का जो टेम्परेचर वो शो करेगा। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कनेक्टेड टाइप का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन बताऊँ आपको, तो मैं चार स्पीकर और इसके अंदर दो जो ट्विटर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये जो वाइट कलर के आप देख पा रहे हैं ये टेप होती है, इनको आप निकाल दोगे तो भाई सेम है कि ये पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा। और स्पीकर की क्वालिटी है वो अच्छी है, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर मैंने ऑडियो पोस्ट की हुई है इनकी पहले ही। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट मिल जाती है आपको ऑटोमेटिक AC के कंपैरिजन में यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं फिजिकल स्विच है। स्विचेस की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एक माइक की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है, और एक माइक की प्लेसमेंट भाई हमने को ऊपर मतलब रूफ में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी अपने को देखने के लिए। तो टोटल दो माइक आ जाते हैं, तो इससे जो आवाज़ है आगे जो कॉल्स पे जाती है वो बिल्कुल क्लियर जाती है। उसके नीचे यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस है, कोई चार्जिंग पैड वगैरह नहीं है। यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट है, 180 वाट का सॉकेट, टाइप ए जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे स्पेस आता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। गियर लीवर आता है वो नॉर्मल आता है, पर डीजल वाली गाड़ी तो 6 गियर के साथ आती है। और यहाँ से रिवर्स गियर आप इंगेज करोगे तो ये वाली कैमरे क्वालिटी आ जाएगी। इसके अंदर भी आपको जो है दो वाइड लाइन देखने के लिए मिल जाएगी, एक फिक्स वाली और एक एडजस्टेबल वाली, तो ये चीज़ अपनी देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आगे के पार्किंग सेंसर ऑन हो गए क्योंकि रिवर्स गियर लगाया था। उसके नीचे जाओगे तो सिल्वर सराउंडिंग पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर, बोतल होल्डर और भाई अपना कप होल्डर वो देखने के लिए मिल जाता है। आर्मरेस्ट आता है, फिक्स वाला आता है, पर इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स नॉर्मल आता है, कोई कूलिंग वगैरह का ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। इसको क्लोज करते हैं, डे नाइट एडजस्टेबल मिरर मिल जाता है हमें मैनुअल वाला, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो DPF है उसको रीजनरेशन का प्रोसेस है वो दिया गया है कि कैसे आप खुद से कर सकते हो, वो वाली गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो वह स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। आप डीजल की गाड़ी अगर आपके पास किया सोनेट, किया सेल्टोस या कोई भी आपकी किया की गाड़ी है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके भाई अपना रीजनरेशन है वो खुद ही कर सकते हो। उसके बाद सनग्लास होल्डर आएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेलोजन के अंदर हेड मतलब जो कैबिन लाइट है वो आएगी, और यहाँ से ऑन करोगे तो वो लास्ट वाली भी ऑन हो जाएगी, और ये हमने मैनुअल ऑन कर ही रखी थी। यहाँ पे एक टिकट होल्डर आ जाएगा, और यहाँ पे एक वैनिटी मिरर अपने को देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। सेमी लेदरेट सीट्स है, सीटों को मैं पीछे से दिखा दूँगा आपको कि किस तरीके की आती है, बट कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है इनके अंदर, बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से सीट आपको होल्ड करके रखती है। अब रियर सीट पर बात करते हैं, कुछ डोर के खुलने का एंगल हो जाता है भाई। यहाँ पे सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाते हैं हमें, पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पे एक स्पीकर आता है, बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। ये कुछ रियर सीट का जो इंटीरियर है वो देखने के लिए मिलेगा। 3-pointer सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, फिक्स वाले दो हेडरेस्ट आते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट या कप होल्डर वगैरह चीज़ नहीं मिलेगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाएंगे आपको, ये भी जुलाई अपडेट के अंदर ऐड किए गए हैं। और अंदर सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर साइड आपको एक छोटी पॉकेट और एक बड़ी पॉकेट मिल जाएगी, और उस साइड में कोई भी पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ये आता है सेमी लेदर, मतलब कि यहाँ पे पूरा लेदर है, और आगे जो पार्ट टच होता है वहाँ पे पूरा आता है वो फैब्रिक आता है, ये वाली चीज़ मिलेगी। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, दो टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं, एक कोट हैंगर देखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर में कैबिन के अंदर लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से रियर का भी कुछ इस तरीके का आएगा,
और डैशबोर्ड का लुक कुछ जो आएगा वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए हमें मिलेगा भाई। वह अगर चाबी की बात करते तो ये वाली चाबी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसमें लॉक का अनलॉक का गाड़ी को स्टार्ट करने का और जो है मतलब बूट खोलने का वो स्विच देखने के लिए मिल जाता है, ये वाली आ जाती है। अब इसका अगर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लॉक दबाना पड़ेगा, उसके अलावा होल्ड, तो यहाँ से आप ऐसे दबाओगे 3 सेकंड के लिए तो जो गाड़ी है वो स्टार्ट भी आपकी हो जाएगी। अगर जो फ्लैट सरफेस पे खड़ी हुई है तो ऐसे करके आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर पाओगे। और ये जो डीज़ल वाली गाड़ी है उसके अंदर ही आपको ये होल्ड का जो है स्विच मिलता है, पेट्रोल वाली के अंदर ये आपको होल्ड वाला स्विच देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सिर्फ डीजल के अंदर आप एस टी के प्लस के अंदर इसको स्टार्ट कर पाओगे यहाँ से जैसे, तो ये आप देख सकते हो। तो ये वाली चीज़ भाई पेट्रोल में नहीं मिलेगा, सिर्फ डीजल के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा हमें। अब बात करते हैं इंजन। तो भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और अब मैं इसका जो है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और भाई इसके अंदर जो है एसी भी मतलब ऑन है और गाड़ी भी जस्ट अभी स्टार्ट की है, तो इसका जो डीजल इंजन है उसका साउंड आप सुन सकते हो। मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, मैं पहले म्यूट होता हूँ भाई, उसके बाद आपको शायद आवाज़ आ जाएगी। तो इतना साउंड मतलब ये इंजन जो है वो करता है भाई। और कुछ ये भी लगा सकते हो आपकी गर्मी ज़्यादा है मतलब हरियाणा के अंदर इस टाइम में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि अभी जैसे है कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, पर नॉर्मली इतनी आवाज़ ये इंजन करेगा। इसके एक बार बोनट बंद करके और मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि भाई बोनट बंद करने के बाद कितना इसके अंदर आवाज़ आती है। तो एक सेकंड इसको क्योंकि एक हाथ से करना पड़ेगा वो मैं कोशिश करता हूँ, एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ये कर दिया भाई बंद। अब आप सुन लो कि कितनी आवाज़ इसके अंदर, कितनी आवाज़ मतलब ये अब कर रहा है गाड़ी को, मतलब जो इसका बोनट था वो बंद करने के बाद वो इतनी आवाज़ ये कर रहा है। तो आप इस साइड लगा सकते हैं। अब इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो भाई ये इंजन जो आता है 15 cc का इंजन आता है, टर्बो चार्जर के साथ में आता है, उसके अलावा 115 PS की पावर और 250 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है भाई हमें, और माइलेज भी अच्छी निकाल देता है डीजल के अंदर। और जो DPF है वो यहाँ पर भाई आपको इसके अंदर डलवाना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है। तो ये था पूरा वीडियो, प्राइसिंग का स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था यह, तो वो था। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक वीडियो के साथ में।